हेलो दोस्तों, देखिए लगभग LIC को 2 दिनों के अंदर अंदर यहाँ पर देखिए 18,000 करोड़ रुपए की क्या लगी है चपत। और LIC जो शेयर्स ले रखे हैं जिन्होंने, उनको क्या करना चाहिए, LIC पॉलिसी वालों को भी क्या इससे खतरा हो सकता है, वो सभी चीजों से रिलेटेड हम यहाँ पर बातें करेंगे और जानेंगे कि एग्जैक्टली बात क्या है और किस तरीके से यहाँ पर चीजें चलती हुई नजर आती है। तो वीडियो में आगे बढ़ते हैं, बट बिफोर दैट वीडियो में आगे बढ़े रिक्वेस्ट करूंगा, इन्वेस्ट फॉर एवर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को हिट, ऑल के नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए। और हम कोई किसी भी तरीके की रिकमेंडेशन नहीं देते, इस चीज को हमेशा याद रखिएगा। बैंक से नहीं कोई रिकमेंडेशन नहीं है, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर खुद की स्टडी करना है। और आपको पता है, देखिए हमारा एक व्हाट्सएप ग्रुप चलता है और उस व्हाट्सएप ग्रुप में क्या काम हो रहा है वो मैं आपको थोड़ा सा, 1 मिनट आपका टाइम लूंगा ताकि मैं आपको चीजें बता सकूं। यहाँ देखिए, ये वेल्थ क्रिएटर हमारा ग्रुप है, ओके, जिसका नाम है वेल्थ क्रिएटर व्हाट्सएप ग्रुप है हमारा। यहाँ पर देखिए 31% मूव सो फार इन 5 ट्रेडिंग सेशन। 5 दिन पहले, 5 ट्रेडिंग सेशन पहले हमने एक वीडियो बनाई थी, वीडियो नहीं बनाई थी, ग्रुप में स्टॉक्स दिया था, 15% की मैंने अपसाइड दिखाई थी, 31% की अपसाइड हो चुकी है। एक और स्टॉक्स दिया था जो 5% अप था हो गया और 10% दोबारा भागता हुआ नजर आया। और यहाँ पर हमारी तारीफ भी हो रही है कि देखिए एक्सीलेंट परफॉर्मेंस नितेश, दैट टू इज टू इन मच इन सच अ बैड मार्केट। तो मतलब मार्केट देखिए कल कितनी गिरती हुई नजर आई थी, बट स्टिल यहाँ पर आप देखेंगे तो हमारे स्टॉक सारे भागते हुए नजर आ रहे थे। ओके, यहाँ पर निफ्टी के बारे में बताया था मैंने कि निफ्टी कैन फॉल 255 पॉइंट्स मोर, तो यहाँ पर देखिए और ज्यादा मार्केट गिरती हुई नजर आई। और देखिए ये सारे के सारे यहाँ पर आप देख सकते हैं, 5% ये भागता हुआ नजर आया, 5% ये, 9% ये, 7% ये, ओके, 31% मैंने आपको बताया ही है। तो ये सारे के सारे स्टॉक्स क्या है, भागते हुए नजर आ रहे हैं। यहाँ पर देखिए और भी देखिए, 6% अब ये 240 पे मैंने आपको बताया था, तो लॉटो अगर 240 सॉरी 270 के आसपास आता है, यहाँ मैंने करेक्ट किया है, 270 के आसपास आता है दोबारा बाई, तो 270 से फिर भागता हुआ नजर आया, 50% के वहां मिले, लास्ट ट्रेडिंग सेशन 5% अप, नाउ 4%, जो भी शेयर यहाँ दिए जा रहे हैं, यहाँ देखिए 20% अप, बट स्टिल 10%, मतलब 20% भागा था, 10% यहाँ पर क्लोज हुआ। तो यहाँ पर इस तरीके से यहाँ पर स्टॉक्स दिए जा रहे हैं। और यहाँ पर आप देखोगे, सर योर स्टॉक्स आर परफॉर्मिंग गुड इन दिस टाइप ऑफ मार्केट, आई मस्ट अप्रिशिएट, गुड सर, कीप इट अप। तो यहाँ पर देखिए अच्छा काम हम करते हुए नजर आ रहे हैं, स्टॉक्स परफॉर्म कर रहे हैं चाहे मार्केट कैसे भी हो। तो यहाँ पर देखिए स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन हमेशा बना रहता है। तो बहुत सारे लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं, यहाँ पर अलग अलग NRIs भी जुड़े हुए हैं एज वेल एज HNIs भी जुड़े हुए हैं। तो ग्रुप यहाँ पर हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है, आप भी यहाँ पर जुड़ सकते हैं। 1,000 रुपीज पर मंथ फीस है, अनलिमिटेड एक्सेस है शेयर्स का, एज वेल एज यहाँ पर आपकी कोई प्रॉब्लम है वो भी हम यहाँ पर सॉल्व करते हैं, पोर्टफोलियो को भी रिव्यू कराना है वो भी कर देते हैं यहाँ पर 1,000 रुपीज में। आपको बहुत सारी अच्छी सर्विसेज यहाँ पर दी जाती है, प्लस में शेयर्स तो हम डालते ही अनलिमिटेड। और इन नंबरों पर कॉन्टेक्ट 8860540501, 8169261037 पे कॉन्टेक्ट करके यहाँ पर हमसे सर्विस ले सकते हैं। एज वेल एज अगर बताऊँ, ये जैसे भी जितने भी शेयर्स दिए आपने देखे कि किस तरीके से परफॉर्म कर रही है, किस तरीके से ढूंढे जाते हैं, उसके पीछे का एक साइंस है, स्टॉक मार्केट एक साइंस है, एक गणित है, एक मैथमेटिक्स है कि किस तरीके से शेयर भागेंगे, कौन से भागेंगे, क्यों नहीं भागेंगे। तो यहाँ पर एक कोर्स है टेक्निकल रिसर्च, जहाँ पर बेसिक्स टू एडवांस सिखाया जाता है। अगर कोई इंडिविजुअली एक एक कोर्स करना चाहता है, ओके, तो 10,000 रुपीज है, बट पूरा कोर्स करना चाहता है तो 15,000, और कोई ऑप्शन प्लस में सीखना चाहता है 20,000। तो 15,000 रुपीज का ये कोर्स है, इतनी सब चीज सिखाई जा रही है और खुल के, और वो भी 1-to-1, ऐसा नहीं लोगों के साथ 50,000 रुपये फीस भी ले ली, प्लस में यहाँ पर 100 लोग है, ना तो आंसर दिया जा रहा है ना क्वेश्चन आप पूछ पा रहे हो, क्वेश्चंस के सारे आंसर दिए जाएंगे और अच्छे से इत्मीनान से आपको अच्छे से समझाया जाएगा, ऑनलाइन नोट्स दिए जाएंगे, स्ट्रेटेजी हम यूज करते हैं वो। इन नंबरों पे कांटेक्ट करके सीख लीजिए, सीख लेंगे, याद रखिए मार्केट में ये चीजें जिंदगी भर काम आएगी, और जब जिंदगी भर काम आएगी तो पैसे हमेशा बनेंगे ही बनेंगे, पीछे मुड़ के देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो इन नंबरों पर ही कॉन्टेक्ट करके आप कोर्स की डिटेल्स ले लीजिए, एज वेल एज यहाँ पर हमसे यहाँ पर बात कर लीजिए। अब बात करते हैं यहाँ पर LIC से रिलेटेड। तो यहाँ पर देखिए 2 दिन में कैसे चपत लग गई, आपको यहाँ पर पता है अडानी के स्टॉक्स यहाँ पर गिरते हुए नजर आए, जितने भी स्टॉक्स हैं यहाँ पर गिरते हुए नजर आए। हमने यहाँ पर वीडियो बनाई कि अडानी के स्टॉक में न्यूज पर नहीं चार्ट पर विश्वास करना है, तो चार्ट पर हमने एक एक सारे शेयर को यहाँ पर बताया था, जाके इस वीडियो को देख लीजिएगा तो आपको पता चलेगा। तो हम यहाँ पर आते हैं, और यहाँ पर आने पर हम यहाँ पर देखते हैं अडानी इंटरप्राइजेस। तो अडानी इंटरप्राइजेस देखिए 18% गिरता हुआ नजर आया, यहाँ पर जो भी था बताया गया था। यहाँ पर मैं आता हूँ DIIs में, तो आपको पता चलेगा LIC के पास 4.23% की होल्डिंग है। फिर हम आते हैं अडानी के और भी शेयरों में, अडानी ग्रीन,
अडानी ग्रीन पे आते हैं तो यहाँ पर DIIs में दोबारा जाते हैं तो LIC के पास 1.28% की यहाँ पर होल्डिंग है। अडानी ट्रांसमिशन पे जाते हैं तो अडानी ट्रांसमिशन पे जाते हैं तो यहाँ पर पता चलेगा LIC का 3.65% की होल्डिंग है। ओके, फिर आते हैं अडानी के पास और यहाँ पर अडानी पोर्ट पे जाते हैं तो यहाँ पर पता चलेगा LIC के पास 9.14% की होल्डिंग है। फिर आते हैं हम अडानी के पास और अडानी पावर पे जाते हैं तो अडानी पावर में DIIs की कितनी, हाँ LIC यहाँ पर से कम्प्लीटली एग्जिट कर चुका है ये कि, नहीं, हाँ सॉरी, LIC यहाँ पर अडानी पावर में कम्प्लीटली एग्जिट कर चुका है, तो ये अच्छी बात है। अडानी टोटल में आते हैं तो आपको पता चलेगा LIC की 5.96% की हिस्सेदारी और लगातार यहाँ पर इनकी हिस्सेदारी बढ़ी है। तो देखिए हो क्या रहा है कि आपको शेयर को लेके नहीं बैठना, बड़े बड़े लोग यहाँ पर फंस के रह जाते हैं। चीजों को सीखना और समझना बहुत जरूरी है, अगर आप सीखते हो और समझते हो तो आपको यहाँ पर चीजें समझ में आएगी। अडानी विलमार में कोई भी हिस्सेदारी नहीं है, तो ओवरऑल अगर बात करें अच्छी खासी हिस्सेदारी यहाँ पर अडानी में, अडानी के शेयर में विलमार और पावर को छोड़ के बाकी सारे शेयरों में किसकी हिस्सेदारी है, LIC की। और जब LIC की हिस्सेदारी यहाँ पर है तो यहाँ पर क्या होता हुआ नजर आ रहा है, तो यहाँ पर शेयर में एक अच्छी खासी इधर भी यहाँ पर गिरता हुआ नजर आ रहा है। यहाँ पर देखिए लगभग 3.4% ये शेयर यहाँ पर गिरता हुआ नजर आया, तो 18,000 करोड़ रुपए, ओके बड़ी बात नहीं होती, सॉरी छोटी बात नहीं होती, बहुत बड़ी बात होती है 18,000 करोड़ रुपए, वो भी 2 दिन में यहाँ पर गिर जाना 2,000 दिन में। तो बट LIC करती क्या है, LIC एक लाइफ इंश्योरेंस कंपनी है, ओके जीवन बीमा यहाँ पर निगम देती हुई नजर आती है। ओके, तो यहाँ पर क्या होता हुआ नजर आता है कि जो पॉलिसी होल्डर है उनको भी पैसे देने, और एक ब्रांड है और काफी टाइम से चलता हुआ नजर आ रहा है। तो यहाँ पर पॉलिसी वालों के लिए सबसे पहले बात करना चाहूंगा, तो पॉलिसी वालों को डरने की जरूरत नहीं है, क्यों, क्योंकि LIC एक बहुत बड़ा जाइंट है। और याद रखिए वो आपको पैसे कहाँ से लाती है, आपको जब पॉलिसी, तो आपसे जब पैसे लेती है तो वो मार्केट में ही इन्वेस्ट करती है, और अच्छे अच्छे शेयरों में, कुछ शेयरों में गिर जाते हैं, कुछ चलता है, तो ये मार्केट में चलते रहता है। तो पॉलिसी वालों को घबराने की जरूरत नहीं है, गवर्नमेंट का सपोर्ट है, कभी भी यहाँ पर आपको LIC में तो एटलीस्ट यहाँ पर दिक्कत नहीं होने वाली। और 18,000 करोड़ रुपए LIC के लिए जैसे समुद्र से एक लोटा जल ले लेते हैं ना, तो वही है। तो यहाँ पर एक बहुत मतलब 30 लाख करोड़ के आसपास की मार्केट कैप है, तो ये छोटा मोटा हेडबैक लगता रहता है। बट यहाँ पर याद दे रखिए LIC ने जब अडानी में इन्वेस्ट भी किया है तो बहुत कम टाइम, मतलब बहुत टाइम से यहाँ पर इन्वेस्ट कर रखा है। यहाँ पर देखिए LIC का 4 है, तो यहाँ पर लगभग जून में इन्वेस्ट किया था, जून से लेके लगभग लगभग पैसा डबल, और आज भी निकालेंगे तो भी प्रॉफिट में ही अडानी यहाँ पर LIC के सारे शेयर होंगे। तो घबराने वाली बात नहीं है। पॉलिसी होल्डर को, शेयर होल्डर को क्या करना है, देखिए शेयर क्या करता है LIC, LIC पैसे लेता है, पैसे लेके डालता है, और शेयर्स में उनका जो डिविडेंड आता है वहां से मेन इनकम होती हुई नजर आती है। ओके, जो शेयर का प्राइस बढ़ता है वहां से मेन इनकम होती हुई नजर आती है। तो अगर इस तरीके के हिटबैक लगते रहेंगे तो ऑब्वियसली बात है उसका पोर्टफोलियो भी कम होगा, और जब पोर्टफोलियो कम होगा तो यहाँ पर शेयर के प्राइस पे भी हिटबैक लगता रहेगा बार बार। और मैंने यहाँ पर आपको बताया भी था जब तक ये लाइन क्रॉस ना हो जाए तब तक यहाँ पर आपको बाइंग बनती नहीं है, तो अभी यहाँ पर शेयर में बाइंग बिल्कुल भी नहीं बनती। एक बेहतरीन सपोर्ट पे LIC का शेयर यहाँ पर चलता हुआ नजर आ रहा है, बट स्टिल अभी भी आपको यहाँ पर खरीदना नहीं है, क्यों, क्योंकि चीजें दोबारा यहाँ पर आ सकती है। ओके, किसी के भी कहने पर नहीं आना, किसी के कहने पर जाना नहीं है, चार्ट को देखना है। लास्ट टाइम भी मैंने जब अडानी से रिलेटेड वीडियो बनाई थी मैंने कहा था न्यूज क्या है डजंट मैटर, चार्ट क्या कह रहे हैं उसके ऊपर मैटर करता है, चार्ट देखने हैं। अगर आपको चार्ट देखना आता है, आपको यहाँ पर चीजें पता है कि है, क्योंकि स्टेज चार्ट में चार स्टेजेस होती है हर एक स्टॉक्स में, तो अडानी के जितने भी स्टॉक्स देखोगे तो वो चौथी स्टेज में चल रहे हैं। चौथी स्टेज क्या होती है, डिक्लाइन। देखिए यहाँ पर पहले स्टेज 1 चल रही थी, फिर ये स्टेज 2, ये स्टेज 3 थी, और अभी ये स्टेज 4 चल रही है। तो यहाँ पर इस किसी भी तरीके की, यहाँ पर हर एक शेयर में इसी तरीके से काम होता हुआ नजर आ रहा है। तो यहाँ पर अडानी के स्टॉक्स से दूर रहना है, बट LIC का स्टॉक्स की बात करें वो भी यहाँ पर स्टेज 4 में ही चल रहा है। इसके बाद स्टेज 1 चालू होगी और वो कितने भी टाइम की हो सकती है, फिर उसके बाद जब शेयर भागेगा तो आपको यहाँ पर रिटर्न मिलेंगे, बट ये एक लंबा प्रोसेस है, लंबा टाइम लगने वाला है। आप सोचेंगे तुरंत काम होगा, नहीं होगा, तो थोड़ा सा यहाँ पर सही टाइम पे एंट्री लेना सीखे, सही टाइम पे जब एंट्री लोगे तो मार्केट में पैसा बनेगा। आप सोचोगे नीचे आ गया, ओके बिल्कुल बॉटम बन गया है, अब शेयर खरीदूंगा प्रॉफिट लूंगा, तो वो यहाँ पर मार्केट में आपको कोई फायदा नहीं होने वाला, क्यों, क्योंकि ना तो आप एग्जैक्ट यहाँ पर एंट्री कर पाओगे, ना ही एग्जैक्ट आप यहाँ पर बेच पाओगे। ओके, यहाँ पर जब सही टाइम पे, यहाँ पर जब चीजें चल रही होगी दूसरी स्टेज में, तब आप यहाँ पर चीजें खरीदोगे बीच में भी, तो आपको 100, 150, 200% के रिटर्न ऐसे ही मिलते हुए नजर आएंगे। और ये चीज हम अपने कोर्स में सिखाते हैं कैसे स्टेजेस होती है, रिसर्च का पार्ट है। स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3, स्टेज 4 सीख लीजिए,
1-800-504-050-1816926920371 कॉन्टैक्ट करिए। एक महीने का व्हाट्सएप ग्रुप आपके लिए फ्री है और उसके बाद 500 रुपीज पर मंथ आपके लिए हो जाएगा, जो हमारे क्लाइंट और जो हमारे जितने भी ये मतलब जो भी हमारे कोर्स को करता है, बट जो अलग से ज्वाइन होना चाहता है उनके लिए 1000 रुपीज पर मंथ मैंने यहाँ पर रख रखा है। यहाँ पर बेहतरीन सर्विस यहाँ पर दी जाती है। ओके, बाइंग सेलिंग की यहाँ पर भी रिकमेंडेशन है, बट शेयर डाले जाते हैं, रिसर्च के बेसिस पे डाले जाते हैं, जो हम हमने सीख रखा है उसके बेसिस पे डाल दिए जाते हैं और चीजें उसके बाद भागती हुई नजर आती है। पैसे को वेस्ट मत करें। अगर किसी ने कमाया है सोच रहा है कि वो फन्नेखा हो गया है, तो ऐसा नहीं होता। आपको क्या है, सीखने के बाद भी चीजें नीचे आती है, ओके, और बिना सीखे तो और भी ज्यादा नीचे आती है और आप बेच नहीं पाते, बट सीख लेंगे तो समझ में आ जाएगा यहाँ पर टॉप बन चुका है बेच लो, यहाँ बॉटम बन चुका है यहाँ पर खरीद लो, ये चीजें समझ में आ जाएगी। तो चीजें इस तरीके से काम करती है। नंबरों पे कांटेक्ट करके सीख लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन को हिट करें ताकि इस तरीके की वीडियो यहाँ पर बनते रहे। और यहाँ पर जैसे बीका जी में बताया गया था, सेम हर एक स्टॉक्स में उसी तरीके से काम होता हुआ नजर आता है। तो थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस।